सो द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000। तो देखो यार, फाइनली विंडोज 11 आनी स्टार्ट हो चुकी है एंड उसकी अपडेट भी मिलने लग गई है। तो इस टाइम पे कोई मतलब नहीं बनता कि हम कोई ऐसा लैपटॉप परचेज कर लें जिसमें ऑटोमेटिकली विंडोज 11 की अपडेट हमें ना मिले। काफी रिसर्च एंड स्टडी करने के बाद मैंने ये लिस्ट फाइनल की है। सभी लैपटॉप्स में आपको या तो विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलेगी और या फिर उसकी फ्री अपडेट। एंड चाहे आपको किसी भी प्रोसेसर में लैपटॉप चाहिए, राइजन और इंटेल, और या फिर किसी भी स्क्रीन साइज में 14 इंचेस और 15.6 इंचेस, और या फिर आपको एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज चाहिए, मतलब यार आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है वो आपको इस वीडियो में 100% जरूर मिलेगी। सो लेट्स फाइंड आउट द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज। तो लिस्ट का जो सबसे पहला लैपटॉप है जो कि आपको 40,000 के बजट में मिलेगा, दैट इज Acer Aspire 5। देखो सबसे पहले ना, इस लैपटॉप के जो मोस्ट स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। लाइक सिर्फ एक यही लैपटॉप है जो कि आपको 40,000 के बजट में बैकलिट कीबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, और किसी भी दूसरे लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज। एंड सिर्फ बैकलिट कीबोर्ड ही नहीं है, उसके अलावा एकदम लेटेस्ट वाईफाई 6 मिल रहा है, एंड उसी के साथ में ब्लूटूथ का भी एकदम लेटेस्ट वर्जन 5.1। मतलब कनेक्टिविटी तो इस लैपटॉप की एकदम वन ऑफ द बेस्ट है विदाउट एनी क्वेश्चंस। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो एक फुल साइज डिस्प्ले है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, एंड उसी के साथ में फुल साइज कीबोर्ड भी है अलॉन्ग विद नमपैड। अब Acer Aspire 5 में i3 का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है 11 जनरेशन, तो परफॉर्मेंस आपको एकदम बढ़िया मिलेगी विदाउट एनी डाउट। प्रोसेसर की बेस क्लॉक स्पीड है 1.7 GHz एंड जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है दैट इज 4.1 GHz। दो कोर्स एंड 4 थ्रेड्स और 6 MB L3 की कैशे मेमोरी है। देखो यार, लैपटॉप में ऑनबोर्ड रैम मिलती है 4 GB की DDR4 2666 MHz की, एंड इसकी स्टोरेज को चेक करें तो 256 GB की M.2 NVMe SSD है। एंड एक और काफी बढ़िया चीज है इस लैपटॉप में कि इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है बोथ आर एक्सपेंडेबल। 20 GB तक आप इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो और 2 TB तक इसकी स्टोरेज को। देखो लैपटॉप में आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड इट इज अपग्रेडेबल टू विंडोज 11 एज वेल। एंड इसी के साथ में आपका जो एमएस ऑफिस 2019 है वो भी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, एंड वो भी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, विच इज ऑल्सो अ ह्यूज प्लस पॉइंट। इसमें नेसेसरी सभी पोर्ट्स दी गई हैं अलॉन्ग विद इंटेल यूएसडी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, एंड बैटरी बैकअप अराउंड 5-6 घंटे का इजीली मिल जाएगा ऑन नॉर्मल यूजेज। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 41,000 रुपीज। देखो अगला जो लैपटॉप है दैट इज Asus VivoBook 14, एंड ये Asus की काफी पॉपुलर सीरीज है इन दिस प्राइस रेंज। अभी देखो यार, आप में से जिनको एक हैंडी लैपटॉप चाहिए, लाइट वेट और 14 इंचेस का स्क्रीन साइज, देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लैपटॉप में 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, और ये भी एकदम पावरफुल प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, लाइक i3 का एकदम लेटेस्ट 11 जनरेशन प्रोसेसर, एंड प्रोसेसर की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। देखो इससे पहले वाला जो लैपटॉप है उसमें आपको 4 GB की रैम मिल रही थी, लेकिन इसमें 8 GB की रैम मिल रही है जिसमें से 4 GB ऑनबोर्ड है, एंड 3200 MHz की इसकी रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12 GB। 256 GB की M.2 NVMe SSD एंड जो स्टोरेज है इस लैपटॉप की वो भी एक्सपेंडेबल है। विंडोज 10 एंड MS ऑफिस ये दोनों चीजें आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं, एंड ये दोनों ही आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेंगी। इंटेल के इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स, एंड ये काफी हल्का लैपटॉप भी है, सिर्फ 1600 ग्राम वजन है इसका, एंड ये मेरी लिस्ट के बाकी सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में से सबसे लाइट वेट भी है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट दी गई है, एंड इसी के साथ में 6 घंटे का बैटरी बैकअप भी है। एंड प्राइस जाने से पहले इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको चिकलेट कीबोर्ड मिलेगा एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। विंडोज 11 की अपग्रेडेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 39,500 रुपीज ओनली। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन बाय अंडर 40,000 रुपीज, एंड इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज HP 15। अब ये एक Ryzen प्रोसेसर वाला लैपटॉप है। लैपटॉप में Ryzen 3 3250U प्रोसेसर 3rd जनरेशन, बेस क्लॉक स्पीड इज 2.6 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड इज 3.5 GHz। 4 MB L3 कैशे मेमोरी के साथ प्रोसेसर में 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स हैं, एंड इस लैपटॉप में भी आपको 8 GB की रैम मिलती है DDR4 2400 MHz की, एंड इसकी रैम को एक्सपेंड करने के लिए लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट दी गई है जिससे आप इस लैपटॉप की रैम को 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। स्टोरेज को देखें तो 256 GB की M.2 NVMe SSD, एंड इसकी जो SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, आप इसे 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एंड जैसा कि इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो फुल साइज है 15.6 इंचेस की, उसी के साथ में इसका जो कीबोर्ड है वो भी फुल साइज है अलॉन्ग विद नमपैड। अब देखो जैसा कि पिछले लैपटॉप्स में था बिल्कुल वैसे इसमें भी आप
आपको विंडोज 10 और एमएस ऑफिस, ये दोनों चीजें प्री इंस्टॉल मिलती हैं एंड ये दोनों चीजें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलती हैं। एंड विंडोज 11 की फ्री अपग्रेड भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। AMD Radeon ग्राफिक्स एंड इसमें भी सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट दी गई है और 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको ऑन नॉर्मल यूजेज। एंड इसकी अगर प्राइस की बात करें दैट इज ओनली 38,500 रुपीज, सो इट्स अ ग्रेट डील। नाउ वेट, देखो यार, अगर आपको बिल्कुल डिटो स्पेसिफिकेशंस में एक डेल का लैपटॉप चाहिए या फिर एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें 1 TB HDD और 256 GB की SSD दी गई हो, देन दिस लैपटॉप इज फॉर यू। डेल इंस्पिरॉन 3505 लैपटॉप में स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है SSD प्लस HDD एंड ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। 4 GB रैम, लेकिन इसका जो MS Office है वो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में नहीं मिलेगा बल्कि 30 डे ट्रायल बेसिस पे मिलेगा। एंड एक्चुअली में काफी यूजर्स को MS Office नहीं चाहिए होता, तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसका भी जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला भी HP का लैपटॉप है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बाकियों के कंपैरिजन में 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है। लाइक 43,000 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है ना वो एकदम टॉप नॉच है। लाइक 512 GB की M.2 NVMe SSD मिल रही है आपको लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। उसी के साथ में 2666 MHz की 8 GB DDR4 रैम, एंड इसकी जो रैम है उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। उसके लिए एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिलेगी आपको लैपटॉप में, जिससे आप इसकी रैम को 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेटेस्ट प्रोसेसर है Intel Core i3 11th जनरेशन, 15.6 inches की फुल HD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, फुल साइज अलोंग विद फुल साइज कीबोर्ड विद न्यूमेरिक कीपैड। देखिए इसमें भी आपको विंडोज 10 एंड एमएस ऑफिस 2019 ये दोनों चीजें प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी एंड ये दोनों ही लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलती हैं। डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 के साथ 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट भी आपको इस लैपटॉप में मिल जाती है। और हाँ, इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे USD प्री इंस्टॉल। सो ये भी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अंडर 40,000 रुपीज। आप में से जिसकी भी जरूरत ज्यादा स्टोरेज की है तो आप इसे जरूर कंसीडर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3। अगेन, सबसे पहले इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो देखते हैं। अब देखो यार, लिनोवो के इस लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। 80% लैपटॉप सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है एंड इसमें आपको टोटल 2 सालों की वारंटी मिलती है, बाकी सभी में 1 साल की है। सो इट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट। एंड एक और काफी बढ़िया चीज है इस लैपटॉप की, दैट के ये लैपटॉप विंडोज 11 के साथ आता है। विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिलती है एंड उसी के साथ में एमएस ऑफिस भी प्री इंस्टॉल मिलेगा एंड ये दोनों चीजें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलती हैं। ये एक फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, उसी के साथ में फुल साइज कीबोर्ड अलॉन्ग विद नंपैड। अब प्रोसेसर की बात करते हैं। i3 का एकदम लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर 11th जनरेशन एंड इसके प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं और इसमें 3200 MHz की 8 GB DDR4 रैम है जो कि एक्सपेंडेबल अप टू 12 GB। दिस लैपटॉप कम्स विद 256 GB ऑफ M.2 NVMe SSD व्हिच इज आल्सो एक्सपेंडेबल, इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप, 1.65 kg वेट है इस लैपटॉप का एंड इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो देखो यार, काफी सही डील है इस लैपटॉप पे। सिर्फ 41,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है और विंडोज 11 मिल जाती है आपको, प्राइवेसी शटर कैमरा, रैपिड फास्ट चार्जिंग, सब कुछ आपको एक ही लैपटॉप में मिल जाएगा। सो आप इसे जरूर कंसिडर करना। सो या, दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज। आपको इनमें से जो भी लैपटॉप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लगे उसे आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। ये सभी कमाल के ऑप्शंस हैं। और हाँ, सभी लैपटॉप्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पता है, लेकिन अगर फिर भी इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट कर दो। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू गाइज एंड इन सभी लैपटॉप्स के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।